तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि जो कि हमारा मेन करेक्टर होता है, वो कह रहा होता है कि एक्चुअली मैं जो हूँ इस वर्ल्ड से नहीं हूँ, और जो ये सील है वो भी मुझे पहचानती है। फिर आगे वो बताता है कि जब वो इस वर्ल्ड में आया था तो उसने इस वर्ल्ड के बारे में बहुत सारा जो है नॉलेज को बढ़ाया इस वर्ल्ड की, और इस वर्ल्ड के बारे में बहुत सारी नॉलेज को इकट्ठा किया, और फिर वो अपना पूरी एनर्जी बस ट्रेनिंग में ही लगाता रहा। फिर हमें बताया जाता है कि उसके बाद जो हमारा मेन करेक्टर होता जो है, हमारा मेन करेक्टर कुनरैन होता है, वो कहता है कि उसने जो अपने फिर यहाँ का मेन डिसाइपल बना इस क्विंडियन सेक्ट का, फिर उसने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी एक सेक्ट को बिल्ड करने की। फिर उसके बाद हमें बताया जाता है कि प्रेजेंट का सीन, जो कि सील होती है वो हवा में फ्लोट कर रही होती है, और उसे आवाज आती है कि जो तुम्हारा ब्लड है वो इस कॉन्टिनेंट का नहीं है। फिर उसके बाद हमारा मेन करेक्टर कहता है कि ये जो आवाज़ है वो मेरे दिल से निकल रही है। फिर उसके बाद हमें बताया जाता है कि जो हमारा कुनरैन होता है, वो कह रहा होता है कि जो जो सील है वो मेरे बारे में सब कुछ जानती है, और मुझे इसे कुछ भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में बताया जाता है कि जो गोल्डन सील होती है, वो कहती है कि जो यहाँ के डिसाइपल होंगे वो भी आउटसाइड वर्ल्ड से ही टेलीपोर्ट किए जाएंगे। फिर वो हमारा जो मेन करेक्टर होता है, वो कहता है कि ये क्या कह रहे हो तुम। फिर इसके बाद जो है गोल्डन सील है, जो वो बताती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो इस सेक्ट के डिसाइपल होंगे वो आउटसाइड वर्ल्ड से होंगे, और उनकी जो बॉडीज है वो हेवन का काम होगा यहाँ पे लाना, तो तुम इसके बारे में चिंता मत करो। फिर उसके बाद जो गोल्डन सील होती है वो उसके पास वापस आ जाती है, हमारे मेन कैरेक्टर के पास, और वो और हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि क्या वो जो डिसाइपल होंगे वो मेरी तरह ही होंगे। फिर वो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है कुंद्रन, वो कहता है कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो अगर उस वर्ल्ड में मरेंगे तो इस वर्ल्ड में जिंदा हो जाएंगे। जो किनरैन है वो कहता है कि ये तो किसी गेम की तरह, जो मेरी पिछली जिंदगी में गेम थी उसकी तरह लग रहा है कि वो जो मैं हूँ वो सब कुछ जानता हूँ और सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूँ। फिर आगे वो बताता है कि चलो कोई बात नहीं, जो वहाँ के सो कॉल्ड अर्थ है, वहाँ के जो डिसाइपल यहाँ पे रिक्रूट किए जाएंगे वो तो मॉडर्न ही होंगे। फिर वो आगे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तो जो यहाँ के डिसाइपल होंगे वो दूसरे वर्ल्ड से होंगे, तो ये बहुत ही अच्छा है नहीं कि जो डिसाइपल हैं वो मॉडर्न होंगे। फिर वो कुनरैन है वो आगे बताता है कि जो डिसाइपल हैं वो रिक्रूट करने में ये गोल्डन सील जो है वो उसकी मदद करेगी। आगे फिर जो हमारा कुनरैन होता है वो उस गोल्डन सील को कहता है कि मुझे 100 डिसाइपल चाहिए ब्यूटीफुल से, जिनकी बड़ी ब्रेस्ट हो। फिर वो जो अगले सीन में हमें बताया जाता है कि उस गोल्डन सील से जो है कोई आवाज़ नहीं आती, और गोल्डन सील जो है वो कोई रिएक्ट नहीं करती। फिर जो हमारा मेन करेक्टर होता है वो उसे देख रहा होता है। फिर आगे जो को हमारा मेन करेक्टर होता है वो उस गोल्डन सील से कहता है कि तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे। फिर जो गोल्डन सील होती है वो कहती है कि तुम बेवकूफ कहीं के ये क्या बोल रहे हो। गोल्डन सील जो है वो सिर्फ प्लेयर्स को रिक्रूट कर सकती है, कि ना कि प्लेयर को सिलेक्ट कर सकती है। फिर जो क्वीन होता है वो बड़ा फनी सा फेस बनाकर उस गोल्डन सील को कहता है कि अभी अभी तुमने क्या कहा। फिर वो कहता है कि क्या तुमने अभी जो स्टूडेंट्स है उनको प्लेयर्स कहा। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में बताया जाता है जो हमारा क्वीन होता है वो कह रहा होता है कि जो ये जो सील है इसकी आवाज है वो हेवन की तरह लग रही है, और इसे पता है कि प्लेयर्स के बारे में, और जो मैं जिस वर्ल्ड से आया हूँ वहां पर प्लेयर्स होते हैं, तो इसके बारे में इसे कैसे पता। फिर इसके बाद जो हेवनली सील होती है वो कह रही होती है कि हेवनली डाउ को सबके बारे में सब कुछ पता होता है। फिर वो जो हमारा मेन करेक्टर होता है वो कहता है कि ये जो सील है वो बहुत ही सस्पिशियस है, और वो कहता है कि ये जो सील है वो मेरे से भी ज्यादा स्ट्रोंग हो सकती है, इसके पास बहुत ज्यादा ही स्ट्रोंग एबिलिटीज हो सकती हैं। फिर आगे वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, स्टेज में जो है सो है अभी, तो स्टेज में जो ये सील है वो मेरे प्लान्स को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करेगी। फिर वो आगे जो हमारा कुंडन होता है वो सील से कहता है कि द हेवनली सील वे। फिर वो जो सील होती है वो थोड़ा सा खांसती है और कहती है कि मैं गोल्डन सील हूँ ना कि हेवनली वे। फिर इसके बाद हमें बताया जाता है कि वो जो सील होती है वो शर्मा रही होती है, और हमारा जो मेन करेक्टर होता है वो बड़ा ही फनी सा क्यूट सा फेस बनाकर उसे देखता है। फिर इसके बाद जो हमारा मेन करेक्टर होता है क्वीन, वो कहता है उस सील से कि हेवनली सील मेरी मदद करो ऑनलाइन गेम बनाने में, और जो अर्थ पे जाओ और मुझे 100 पीपल्स मतलब कि प्लेयर्स को रिक्रूट करने में मेरी मदद करो, वहां से जो गेमिंग एक्सपर्ट होंगे जो गेम खेलते होंगे उन्हें रिक्रूट करने में मेरी मदद करो। वो आगे कहता है कि जैसे कि तुमने कहा था कि तुम अर्थ पे जो प्लेयर्स हैं स्टूडेंट्स हैं
उन्हें रिक्रूट कर सकते हो, तो चलो अब जल्दी करो, उन्हें रिक्रूट करने में मेरी मदद करो। फिर अगले सीन में हमें बताया जाता है कि जो गोल्डन सील होती है वो कह रही होती है कि तुम्हारे ऑर्डर्स को कंफर्म किया जा रहा है और दूसरे वर्ल्ड का जो रिक्रूटमेंट चैनल है उसे ओपन किया जा रहा है और तुम्हारा जो ऑर्डर है वो प्रोसेस में है अभी। आगे क्विन कह रहा होता है कि चलो बहुत अच्छे, जो मैंने अभी कहा तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो। फिर वो आगे कहता है कि चलो अब मेरा जो प्लान है वो स्टार्ट हो चुका है, अब मैं जो हूँ वो गेम के एनपीसी की तरह हूँ। अब भाई ये क्या बोला मुझे नहीं पता। फिर वो आगे कहता है कि मैं एक जो है इनविजिबल आर्मी को तैयार करूंगा जिसे कि मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। फिर वो आगे कहता है कि चलो प्लान को स्टार्ट करें, अब मेरे हाथ में बहुत ही ताकतवर जो वेपन है वो लग चुका है, अब मुझे भी कोई हरा नहीं सकता, मुझे कोई बिट्रे नहीं कर सकता। आगे बताता है कि जो मेरे जो डिसाइपल होंगे, मेरे स्टूडेंट्स होंगे, वो डेफिनेटली शाइन करेंगे इस कॉन्टिनेंट में। तो बस गाइस, आज का एपिसोड बस यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो गाइस, मिलते हैं इसके नए एपिसोड में। तो शाम को इसका एक और एपिसोड आ जाएगा, तो देखते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।